क्या आप सोच सकते हैं कि एक योद्धा अपने दिए वादे को पूरा करने के लिए अपना सर कटने के बाद भी लड़ता रहे? थोड़ा नामुमकिन सा लगता है ना, लेकिन हमारे देश के पूर्वज ऐसे ही थे। और आज हम जिस महान योद्धा की बात कर रहे हैं उनका नाम है बाबा दीप सिंह जी। बाबा दीप सिंह जी एक वीर सिख योद्धा थे जिनका जन्म अमृतसर में हुआ था। काफ़ी छोटी उम्र से ही वो युद्ध कला सीखने लग गए थे और 20 साल की उम्र तक एक योद्धा बन गए। 1702 में शादी करने के बाद वो गुरुद्वारे दमदमा साहिब की देखरेख करने लगे। बाबा दीप सिंह जी गुरुमुखी, संस्कृत, पर्शियन, अरेबिक जैसी कई भाषाएं जानते थे। 1757 में काबुल से दिल्ली लौटते हुए अहमद खान अब्दाली के दस्ते पर हमला कर बाबा दीप सिंह ने कई बंदी बच्चे और औरतों को छुड़ा लिया। इस हमले से बौखला कर अब्दाली ने अपने बेटे तैमूर शाह को सिखों के विनाश का हुक्म दिया। अपने पिता के आदेश अनुसार तैमूर शाह ने जगह जगह गुरुद्वारे और कई पवित्र स्थानों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। इस दौरान तैमूर शाह ने सिखों के पवित्र स्थान हरमिंदर साहिब, जिसको आज गोल्डन टेंपल कहते हैं, को भी बहुत नुकसान पहुंचाया और वहां के पवित्र कुंड को खून के रंग से रंग दिया। हरमिंदर साहिब को नुकसान पहुंचाए जाने की खबर जब बाबा दीप सिंह जी को मिली तो उन्होंने सिखों को हरमिंदर साहिब को मुगलों से आज़ाद करवा कर वहाँ दिवाली मनाने को कहा और उनके शानदार भाषण को सुनते ही करीब 500 सिख योद्धा उनके साथ हरमिंदर साहिब को बचाने के लिए अमृतसर की ओर चल दिए। देखते ही देखते बाबा दीप सिंह जी के कारवे में करीब 5000 खालसा योद्धा शामिल हो गए। बाबा दीप सिंह जी के दस्ते के हरमिंदर साहिब की ओर बढ़ने की खबर पाकर तैमूर शाह ने करीब 20,000 योद्धाओं की सेना को अमृतसर की ओर रवाना कर दिया। तैमूर शाह की सेना हरमिंदर साहिब से करीब 6 मील की दूरी पर बाबा दीप सिंह और उनके खालसा योद्धाओं का सामना करने के लिए तैयार थी। बाबा दीप सिंह जी ने युद्ध शुरू होने से पहले अपने योद्धाओं से वादा किया कि चाहे कुछ भी हो जाए मगर मैं हरमिंदर साहिब के अंदर ही अपनी आखिरी सांस लूंगा। उनका इतना बोलते ही उनके कारवे में एक जोश आ गया और फिर दोनों सेनाओं में भयंकर युद्ध शुरू हो गया। धीरे धीरे बाबा दीप सिंह जी की सेना लड़ते हुए हरमिंदर साहिब के करीब पहुंचने लगी, लेकिन तभी वहां जनरल अटल खान और बाबा दीप सिंह जी के बीच एक घमासान युद्ध हुआ। इस लड़ाई में दोनों ने एक दूसरे पर तलवार से वार किया। अटल खान वहीं ढेर हो गया और वहीं बाबा दीप सिंह जी की गर्दन लगभग धड़ से अलग हो गई। उनकी गर्दन आधे से ज़्यादा कट कर लगभग एक तरफ झुकने लग गई और वो वहाँ गिर गए। तभी एक खालसा योद्धा ने उनको उनका वादा याद दिलाया कि वो हरमिंदर साहिब में पहुँचने से पहले हार नहीं सकते। उस खालसा की बात सुनकर बाबा जी ने अपना कटा हुआ सर एक हाथ से पकड़ा और बहादुरी से लड़ते हुए हरमिंदर साहिब के अंदर आ गए। गुरुद्वारे की पावन धरती पर अपना पैर रख कर ही उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। हरमिंदर साहिब यानी कि गोल्डन टेंपल में जहां उनका सर गिरा उस जगह को लोग आज एक पवित्र स्थान मानते हैं। हालांकि बाबा दीप सिंह जी की उम्र लगभग 75 साल की थी, लेकिन वो एक जवान योद्धा से भी ज़्यादा की ताकत रखते थे। चौंकाने वाली बात तो ये है कि जिस तलवार से वो लड़ते थे उसका वज़न करीब 15 किलो था। अब आप ही बताइए, क्या इतनी भारी तलवार के साथ लड़ना कोई आम बात थी? ये सारी बातें साबित करती है कि बाबा जी एक महात्मा थे जिनके पास अलौकिक शक्ति थी। उन्हें अनोखे अमर शहीद बाबा दीप सिंह जी भी कहा जाता है। ये उनकी आध्यात्मिक शक्ति ही थी जिससे वो ये सब कर पाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और हमें नीचे कमेंट्स में बताइए, और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब करने के लिए यहाँ क्लिक करें। थैंक यू।